गाइस देखो दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल डिपार्चर, बहुत ही क्राउड है यार। तो गाइस देखिए दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है, मुझे ढूंढने के लिए भी टाइम लग रहा है। और जो है मेरा गेट जो है 21 306 नंबर प्लेन, ठीक है, फ्लाइट नंबर 306 और गेट नंबर 21 है दिल्ली से। तो आपने जा रहा हो 21 गेट नंबर में, ठीक है, ओके, जाके मिलते हैं फिर वहाँ पर। तो गाइस देखो 1 से लेके 26 तक है गेट यहाँ पर। तो मुझे जो जाना है 21 गेट, ठीक है, जो दिल्ली से टोक्यो तक जाना है, तो मैं जा रहा हूँ उस तरफ। और जाने जाते जाते देखिए ये सब व्यू है, ये क्या खूबसूरत शॉप है यार, ये क्या वाइन शॉप है, क्या अल्कोहल शॉप है शायद। बहुत ही प्यारा सा है भाई दिल्ली एयरपोर्ट। तो मेरा जो गेट नंबर है 21, तो शायद 21 कहाँ पर होगा, उस तरफ देख रहे हैं 18 से 26 शायद उस तरफ होगा, उस तरफ है मेरा गेट। मेरा गेट नंबर जो है 21, ठीक है, एयर इंडिया दिल्ली से टोक्यो। और ये देखिए व्यू नज़ारा, देखो बोर्डिंग पास हो गया, ठीक है, आप जा रहा हो प्लेन में चढ़ने के लिए टोक्यो के लिए। प्लेन कहाँ पर खड़ा है, ये तो यही है शायद, ये देखो सामने दिख रहा है जंबो प्लेन खड़ा है, बड़ा प्लेन भाई। गाइस फाइनली अभी प्लेन का अंदर एंट्री हो जाऊंगा, ये देखो प्लेन खड़ा है, जम्मू प्लेन है। एयर इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
हम जल्दी आपसे फिर मिलने की आशा करते हैं। नमस्कार। तो गाइस फाइनली हम टोक्यो एयरपोर्ट पर उतर गया है। अब जो है कस्टम चेकिंग होगा, जो भी है प्रोसेसिंग, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। ऐसे देखो फाइनली हम पहुंच गए हैं जापान पे टोक्यो एयरपोर्ट पे। तो गाइस देखिए 9:10 पर उतर गए हैं हम जापान में, ठीक है, टोक्यो एयरपोर्ट पे। अब जो है कस्टम होगा हमारा सब, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे लगेज वगैरह लेके, ठीक है। तो फाइनली पहुंच गया भाई जापान पे। अब यहाँ पर कस्टम होगा, उसके बाद फ्री भाई। तो गाइस फाइनली मैं बाहर निकल गया, कस्टम हो गया, सब हो गया। ये देखो